दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2022 स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पर हमें काफ़ी बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स जिन्होंने मल्टीवेगर रिटर्न्स यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे ही स्मॉल कैप मल्टीवेगर स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको 2023 में काफी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी रिसेंटली यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के अंदर 115% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे चुकी है। यानी कि अगर हम इसे मंथली डिवाइड करें तो 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें हर मंथ इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। यहां पर आप देख पाएंगे कि लिस्टिंग के बाद से कंपनी 310% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस तेजी के पीछे की एक्चुअल वजह जानने की कोशिश करें तो कंपनी को काफी बड़े ऑर्डर यहां पर हाथ लग रहे हैं। रिसेंटली कंपनी को 749 करोड़ रुपीज का अभी तक का लार्जेस्ट ऑर्डर हाथ लगा है। और अगर मैं आपको कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बताऊं, आप डेफिनेटली ये देख के शॉक होने वाले हैं कि सिर्फ 1615 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को 749 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहां पर हाथ लगाए। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में अभी आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की तरफ नजर मारेंगे तो वो काफी शानदार हमें देखने को मिलता है। यानी कि पैनी स्टॉक्स के लिए आरओसी और आरओई मेंटेन करना 10% से ऊपर, वो एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलती है। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको उस प्रेस रिलीज की तरफ ले ही चलता हूं जो कि यहां पर रिसेंटली निकल कर आई है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं सालासार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, जहां पर कंपनी को रिसेंटली आप देख सकते हैं न्यू 2 ऑर्डर वर्थ रुपीज 748.46 करोड़ रिसीव फ्रॉम PVVNL। यानी कि PVVNL से कंपनी को ऑलमोस्ट 749 करोड़ रुपीज के ऑर्डर यहां पर हाथ लगे हैं। ये कंपनी को एक बहुत ही शानदार यहां पर अचीवमेंट दिला सकते हैं। अब बात करें सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है इंडिया के अंदर, और इसी के चलते कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। अब बात करें कि इस ऑर्डर में कंपनी को करना क्या है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लॉस रिडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट बुंदेश्वर, हापुर, बगाट, ये सारी लोकेशन यहां पर बताई गई है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड करी गई है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जीपीएस सर्वे, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, जीआई असेट मैपिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू लॉस रिडक्शन। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट हमें ये देखने को मिल रही है सालासार टेक्नोलॉजी की तरफ से। और ये जो ऑर्डर मिला है, ये कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर की वैल्यू है 403.85 करोड़ एंड दूसरे ऑर्डर की वैल्यू है 344.61 करोड़, और ओवरऑल देखें तो 748.46 करोड़ इसकी वैल्यू है। अब बात करें कि ये ऑर्डर कंपनी को कब तक कंक्लूड करना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 25, यानी कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए ये ऑर्डर कंपनी के पास में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये कंपनी के लिए एक टेस्टिमनी है और यहाँ पर इस कंपनी इस ऑर्डर से कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर पता लगता है। यानी कि कंपनी को ये काफ़ी बड़ी तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हाथ लगा है। बात करें इस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, स्पेनी स्टॉक्स के बारे में, तो उसके फाइनेंशियल नंबर जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सालासार टेक्नोलॉजी के अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ भी नजर मारेंगे तो सितंबर क्वार्टर में रिसेंटली कंपनी ने 258.73 करोड़ रुपीज की सेल्स डिक्लेयर करी है और उसके सामने 21 करोड़ रुपीज का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने 7.51 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया है। तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग है। आज के दिन भले ही आपको इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उस गिरावट के पीछे की वजह ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। शेयर मार्केट पूरी तरीके से ओवरऑल आज के दिन क्रैश हो चुका था और उसके पीछे का रीजन कोविड है। और यहां पर अगर आप इस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास में अभी भी 63.07% के स्टेक है और अनदर स्टेक यहाँ पर FII के पास में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी बहुत कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स
और FII की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर यानी कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ये प्रॉमिसिंग रिटर्न्स आपको फ्यूचर में बनाकर दे सकता है। यहां पर आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इस ₹50 के स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। इसके विद इन अ वन ईयर टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो लगभग ₹150 के निकल कर आ रहे हैं, यानी कि विद इन अ वन ईयर ये शेयर आपको 3 गुना रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।